हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आज आपका एक और ज़बरदस्त वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप 5 मोस्ट अंडररेटेड स्मार्टफोन्स ऑफ 2021 अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। और देखा जाए 2021 में कितने सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे और 2020 के रिस्पेक्ट में 2021 के स्मार्टफोन्स कुछ खास इनोवेशन नहीं लाए थे, ये एक बात हो जाती है। सबसे बड़ा इनोवेशन 2019 में भी था, फिर भी स्मार्टफोन्स का जो क्वांटिटी है वो तो कभी नहीं घटा, वो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए इस साल भी। और इन्हीं में से काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स थे लेकिन उनको उतना हाइप नहीं मिला, वो ज़्यादा चल नहीं पाए डिस्पाइट बीइंग गुड स्मार्टफोन्स। इन्हीं स्मार्टफोन्स के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे, सो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बजट कैटेगरी से स्टार्ट करना चाहूँगा। 5 फोन्स मैंने पिक किए हैं। फर्स्ट में लाना चाहूँगा Redmi Note 10s को। देखा जाए ये फ़ोन बहुत पहले लॉन्च हुआ था, ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए इसको लॉन्च हुए हैं और काफ़ी अच्छा ये फ़ोन है। लेकिन दिस फोन वॉज ओवरशैडोड बाय इट्स ओन ब्रदर द Redmi Note 10 Pro, क्योंकि ये फ़ोन लॉन्च हुआ था अराउंड 15,000 में और उसी टाइम पे 16,000 में Redmi Note 10 Pro बिक रहा था, वो भी 6+64 GB वेरियंट। और उस टाइम पे Redmi Note 10 Pro काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी था। लेकिन बाद में Xiaomi ने क्या किया कि फर्स्ट Redmi Note 10 Pro को डिसकंटिन्यू कर दिया फॉर द 6+64 GB वेरियंट, और उसके बाद Redmi Note 10 Pro का प्राइस भी हाइक कर दिया। और यहाँ पे Redmi Note 10 जो काफ़ी सस्ता था अराउंड 12,000 था उसको भी ये लोग 14,000 कर दिए। लेकिन सरप्राइजिंगली Redmi Note 10s का प्राइस एकदम कांस्टेंट रहा अराउंड 15,000। तो तब Redmi Note 10s बिकम द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, लेकिन उसका तो कोई हाइप ही नहीं था, इसीलिए फ़ोन तब ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ पाया था। इसलिए Redmi Note 10s इज इंडीड वन ऑफ द अंडररेटेड स्मार्टफोन्स बाय Redmi दिस ईयर। सो यस, अब बात करें नंबर 4th फोन की इस लिस्ट में, जो कि Realme की तरफ से है, और ये है Realme का Narzo 30 Pro 5G। ये बहुत टाइम पहले लॉन्च हुआ था अराउंड 7-8 मंथ्स अगो, और उस टाइम पे ये एकलौता फ़ोन था विच वॉज लाइक ए नो कॉम्प्रोमाइज 5G फ़ोन। इसके अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता था, 5G फ़ोन था ये डायमेंसिटी 800U के साथ, 5G बैंड्स भी थे। फ़ोन काफ़ी अच्छा था लेकिन ज़्यादा चला नहीं बिकॉज ऑफ Realme's ओन फॉल्ट विच इज़ द 6GB+64GB बेस वेरियंट, और इसके अंदर एक हाइब्रिड सिम स्लॉट दे दिया, कोई भी 120GB का वेरियंट ये लोग नहीं लाए, डायरेक्टली 8+120 तक चला गया। थोड़े बहुत कंपनीज के भी दोष होते हैं एक फ़ोन को अंडररेटेड बनाने के कारण, लेकिन एनीवेज अभी वो फोन डिसकंटिन्यू हो गया है। लेकिन Narzo 30 Pro वॉज इंडीड वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्मार्टफोन्स इन 2021। अब बजट को थोड़ा ऊपर ले जाए तो अंडर 35,000 ऑल द मोस्ट अंडररेटेड स्मार्टफोन्स अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इज द मोटोरोला एज 20 प्रो। जी हाँ, ये फ़ोन लॉन्च कुछ ही महीने पहले हुआ, शायद एक महीना हुआ होगा। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 870 मिलता था और 12 5G बैंड्स भी थे। फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, कैमरा का ऑन पेपर स्पेक्स भी काफ़ी प्रॉमिसिंग था। ऑब्वियसली मोटोरोला का जो ऑन पेपर स्पेक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है लेकिन रियल लाइफ में सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग की वजह से उतना अच्छा इमेजेस आपको नहीं मिलता, तो ये एक प्रॉब्लम होती है मोटोरोला के साथ। लेकिन उस जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ था एज अ ओवरऑल पैकेज ये काफ़ी अच्छा वैल्यू ऑफर कर रहा था, लेकिन सैडली लोगों ने इसको ज़्यादा पसंद नहीं किया, ज़्यादा लोगों ने इसको खरीदा नहीं, तो ये फ़ोन ऑलमोस्ट एक फ्लॉप फ़ोन ही कह सकते हैं। लेकिन मोटोरोला की भी थोड़ी बहुत गलती है, प्रमोशन उन्होंने अच्छी नहीं की थी इस फ़ोन के बारे में, लाइक द H20 सीरीज। H20 सीरीज़ का जो फ्यूजन और नॉर्मल था उसमें काफ़ी बेहतर प्रमोशन किया था इन दोनों ने, H20 Pro को उतना हाइप नहीं मिला इसीलिए। एनीवेज, थोड़ा और आगे बढ़े तो अंडर 40,000 मोस्ट अंडररेटेड स्मार्टफोन इन माय ओपिनियन इज द IQ7 लेजेंड। इस फोन का हाइप भी काफ़ी बढ़ गया था, इनफैक्ट लॉन्च होने से पहले ही IQ वालों ने प्राइस बता दिया था 39,999, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन लोगों को इसको ना खरीदने का शायद अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन दो कारण हो सकते हैं। एक है इसका ओनली 4000mAh बैटरी। जी हाँ, 4000mAh बैटरी एक 40,000 रेस्पेक्ट के फ़ोन में थोड़ा लेस डेफिनेटली है। उसके साथ साथ इसके अंदर फ्रंट टच OS 12 था। ऑब्वियसली फ्रंट टच OS थोड़ा इम्प्रूव हो चुका है लेकिन अभी भी वो कलर OS और ऑक्सीजन OS को बीट नहीं कर पाया, मतलब 40,000 के आसपास मैक्सिमम फोन फ्रंट टच के बिकते हैं, तो उसका UI तो IQ का UI मैच नहीं कर पाएगा। तो ये एक फैक्टर था वाई द IQ7 Legend didn't work well, लेकिन IQ7 Legend and Motorola Edge 20 Pro, these two still remain one of my favorite phones till date. अभी डायरेक्टली जंप कर लेते टू द 70,000 कैटेगरी, और इस कैटेगरी में मैं एक फ़ोन को ज़रूर आना चाहूँगा विच इज़ द Vivo X70 Pro Plus। जी हाँ, Vivo X70 Pro Plus वॉज लिटरली एन अमेजिंग फ़ोन, क्योंकि इसके अंदर सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का कैमरा मिलता था। ऑलमोस्ट हर एक कैमरा इस फ़ोन के में, इसके अंदर एक OIS है हर एक कैमरा में, ये एक बड़ी बात हो जाती है। और कैमरा के सैम्पल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ऑब्वियसली वीडियोग्राफी में उतना आगे नहीं जाता इन कंपेरिजन टू एन आईफोन,
लेकिन फोटोग्राफी में ऑब्वियसली इट कैन बीट एन आईफोन एंड अ सैमसंग अल्ट्रा एनी डे। सो इस वीवो X70 Pro Plus इज क्वाइट एन अमेजिंग फोन। ऑफलाइन में ये फोन काफ़ी अच्छा मे भी चला होगा, लेकिन ऑनलाइन के रेस्पेक्ट में दिस इज इंडीड एन अंडररेटेड स्मार्टफोन। तो यही थे 5 मोस्ट अंडररेटेड स्मार्टफोन इन माई ओपिनियन। लेकिन आज के वीडियो में मैंने कुछ नॉमिनेशंस भी रखे हैं, मतलब द अदर फोन्स हु आर ऑल्सो अंडररेटेड, मतलब दे डिजर्व अ ऑनरेबल मेंशन। सो इस इनके नाम है तो रियलमी X7, द रियलमी X7 मैक्स, द मोटरोला H20 फ्यूजन, लावा अग्नि 5G, द शाओमी 11 लाइट एनी एंड द शाओमी 11 अल्ट्रा। सो इस दीज आर द नॉमिनेशंस, और यही थे जो मेरे ओपिनियन थोड़े बहुत अंडररेटेड स्मार्टफोन्स ऑफ द ईयर 2021। अगर आपको कोई और फ़ोन ऐसा लगा होगा जो कि हाँ ये भी अंडररेटेड है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा एक और शायद फ्यूचर में वीडियो बनाने की अंडररेटेड स्मार्टफोन्स के ऊपर। सो इस मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।